अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। गुना से ग्वालियर जा रही थी कार, तो डिवाइडर से बेकाबू कार टकरा गई, 4 लोगों की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शिवपुरी से खबर, जहां डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गुना से ग्वालियर जा रही थी कार बताया जा रहा है। देख सकते हैं आप, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की घटना है। एक मारुति सुजुकी अर्टिगा MP67C4285 आ रही थी गुना से शिवपुरी साइड, तो बदरवास हाईवे पर बाईपास तरफ बरखेड़ा साइड अनबैलेंस होते हुए उस पर माइलस्टोन से टकराई और डिवाइडर पर टकराई। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होने से रोलिंग करते हुए गई है और गाड़ी में लगभग 7 लोग थे, तो उसमें से 2 तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए हैं और बाकियों को हमने रेफर करवा दिया है। कुछ लोग गुना गए हैं और 1 शिवपुरी गए हैं। राशिद हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी लेंगे राशिद से। राशिद, तस्वीरों में हम देख सकते हैं बहुत ही भीषण हादसा हुआ, गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए, पूरा मामला क्या है? जी इसमें तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला भद्रवास का है, शिवपुरी जिले के, जो कि एक आर्टिका कार गुना से शिवपुरी की ओर आ रही थी, जिसमें 7 लोग सवार थे और अचानक गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकराई और पलट गई। पलटने से इसमें 7 लोग सवारों में से सभी 1-2 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई थी, बाकी अन्य घायलों को किसी को गुना पहुंचाया था, किसी को शिवपुरी पहुंचाया गया था, जिसमें कि 2 लोगों की और मौत हो गई। कुल मिलाकर 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है अभी तक, बाकी पुलिस अभी और जांच में जुटी है कि क्या कारण है। जी राशिद, वजह क्या बताई जा रही है, किस वजह से हादसा हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कार की स्थिति काफी ज्यादा भयानक दिखने को मिल रही है, परखच्चे उड़ गए गाड़ी के पूरे, तो किसकी गलती यहाँ पर बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये घटना रात में 1 से 2 के बीच की है और जहाँ तक जो हमारी पुलिस से बात हुई है, उनका कहना यह है कि गाड़ी का टायर फटने की वजह से गाड़ी डिवाइडर से जाके टकराई है और 5 बार गाड़ी पलटी है, जिससे इसमें गंभीर चोटें लोगों के लगी हैं, जिसमें कि 2 ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। घायलों के क्या अपडेट है अभी, जो 3 लोग घायल हुए हैं उनकी कैसी तबीयत है? जी उसमें एक गुना में एडमिट है और एक शिवपुरी में एडमिट है, अभी उनका इलाज चल रहा है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए भीषण हादसा हो गया, दर्दनाक हादसा हम इसे कह सकते हैं, 5 बार गाड़ी पलटी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर होगा ये।